हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी सबकी जोरों शोरों से चल रही होगी तो फ्रेंड्स जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गुरु रामदास जी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ज़िक्र आया था श्रीचंद जी का ठीक है बाबा श्रीचंद जी का वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक उदासी सेक्ट उन्होंने बनाया उदासी वर्ड के बारे में हमने शुरू में जब हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने ये वर्ड देखा था ठीक है इसके बारे में कुछ जाना था तो मैंने आपको जब रामदास जी के बारे में हम पढ़ रहे थे गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि उदासी सेक्ट हम अलग से करेंगे अभी कोई बहुत लंबा सा टॉपिक नहीं है आपका बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है इसका वीडियो भी बहुत छोटा सा रहेगा लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें हैं जिनके ऊपर सवाल बन सकता है ठीक है तो वो फैक्ट्स हम फटाफट से देखेंगे देखो संप्रदाय सेक्ट किसी भी रिलीजन को आप देखो हिस्ट्री में चाहे वो बुद्धिज़्म हो चाहे वो जैनिज़्म हो चाहे वो हिंदुज़्म हो चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो सिखिज़्म हो कोई भी धर्म हो धर्म में कहीं ना कहीं सेक्ट बने हैं क्योंकि लोगों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गए ठीक है जो उस एक धर्म के लोग थे उनके आइडियोलॉजी में अलग अलग डिफरेंसेस आने की वजह से अलग अलग जगहों पर सेक्ट बन गए संप्रदाय बन गए तो उदासीन एक सेक्ट है जिसको कहा जाता है कि ये सिखिज़म से ही निकला है ठीक है सिख रिलीजन से ही निकला है कुछ लोग इसको हिंदू रिलीजन से भी रिलेट करते हैं ठीक है तो जल्दी से इसके रिलेटेड हम फैक्ट समझेंगे और समझेंगे कि के क्या सेक्ट था तो उदासी और उदासीन एक एसेटिक यानी कि साधु जो एसेटिक कौन होते हैं जो अपना घर बार छोड़कर निकल जाते हैं ना साधु लोग ठीक है सन्यासी लोग होते हैं तो उन लोगों का ये पर्टिकुलरली सेक्ट है स्पेशली अगर हम देखें एसेटिक सेक्ट है एक संप्रदाय है एक ट्रेडिशन है ठीक है जो अपने आप को बोलता है कि हाँ भैया हम सिखिज्म से ही निकले हुए एक रिलीजन है क्योंकि ये जो आपका उदासी सेक्ट है इसके फाउंडर कौन है इसके फाउंडर हैं बाबा श्रीचंद बाबा श्रीचंद का जिक्र हमने पढ़ा था जब हमने गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा था हमने देखा था कि गुरु नानक देव जी ने अपने सक्सेसर अपने बड़े बेटे श्रीचंद को ना चुनते हुए एक अपनी फैमिली से अलग किसी को चुना हमने पढ़ी थी ये वाली चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं गुरु अंगद देव जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं ठीक है तो श्रीचंद जी जो थे उन्होंने एक अलग सेक्ट बनाया जिसको उन्होंने कहा कि ये सिखिज़्म से ही निकला सिखिज्म की टीचिंग्स को जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स है उन्हीं को प्रमोट करने के लिए ये एक सेक्ट बना ठीक है अब ये जो ओरिजिन टाइम ओरिजिन इस रिलीजन का या इस सेक्ट का उदासी सेक्ट का क्या कंसीडर किया जाता है उसको कंसीडर किया जाता है 1494 कि जब बाबा श्रीचंद जी का जन्म हुआ उस समय ही उदासी सेक्ट की फाउंडेशन हुई ठीक है अब जो ये आपका शब्द है उदासी ये एक तरह से एक संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है विच मीन्स वन हु इज इन डिफरेंट टू और डिसरिगार्डफुल ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स जो दुनिया के जो भी अटैचमेंट्स हैं मोह माया है उन सबसे दूर है उससे उन सबसे कुछ लेना देना नहीं है ठीक है जो अपनी आराम से मेडिकेशन करने में विश्वास रखता है एक स्ट्राइक है एक मेन्डिकेंट है अकेला बैठा बस प्रभु का नाम लिए जा रहा है ठीक है वर्ल्डली अटैचमेंट से दूर है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं ये मेरा घर है ये मेरी जमीन है नहीं कुछ नहीं सबसे दूर तभी हमने यहाँ पर क्या कहा कि ये एक एसेटिक सेक्ट है साधु लोगों का सेक्ट है अब सिख ट्रेडिशन में जब मैंने आपको गुरु नानक देव जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा कि गुरु नानक देव जी को जब परम ज्ञान मिल गया तो उसके बाद उन्होंने चार अलग अलग डायरेक्शन्स में जर्नीज़ की उन चार अलग अलग डायरेक्शन में जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में उन्होंने जर्नीज़ की और इन चार जर्नीज़ को सिखिज़म में क्या बोला जाता है उदासी ठीक है फोर प्रीचिंग टूर्स ऑफ गुरु नानक साहिब जी ठीक है तो यहाँ से भी अगर हम देखें उदासी किस लिए यूज़ किया क्योंकि गुरु नानक देव जी घर से दूर थे ठीक है जर्नी कर रहे थे घर बार सब छोड़ चुके थे रिश्तेदार सब छोड़ चुके थे कुछ समय के लिए समझ रहे हो तो उदासी के यहाँ पर उदासी एक सेक्ट भी है जिसको आप उदासीन भी कहते हो और उदासी जो गुरु नानक देव जी की जर्नीज है मैंने तब भी आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेलिवेंस और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ उदासी इन सिख रिलीजन और इन सिखिज्म समझ रहे हो उदासीन जो होते हैं उदासीन होते हैं जो उदासी उदासी देखो कौन उदासी एक सेक्ट हो गया एक संप्रदाय हो गया और उदासीन कौन हो गए जो उस संप्रदाय को मानने वाले हैं ठीक है फॉलोअर हैं जो तो उदासीस को नानक पुत्रा भी कहा जाता है यानी कि सन्स ऑफ नानक और ये जो नानक पुत्राज हैं जो उदासी हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी विश्वास रखते हैं लेकिन आने वाले कुछ गुरुओं ने जैसे आपके जो थर्ड गुरु थे गुरु राम गुरु अमरदास जी उन्होंने उदासीस उदासी को थोड़ा सिखिज्म से दूर रखने की कोशिश की और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस वजह से जो उदासी थे वो हिंदुज़म के क्लोज़ हो गए अगर आप देखो तो गुरु अमरदास जी जो थे उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए ताकि वो सेपरेट कर सके उदासी को सिखिज़म से क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेस भी थे दो सेक्शंस में सिखिज़म में और उदासी में जैसे एक सिख जो थे जैसे आप सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी जब अपनी जर्नी कंप्लीट करके आए तो उन्होंने करतारपुर में सेटल्ड लाइफ जो है जी फैमिली लाइफ और उन्होंने उसको प्रमोट भी किया कि एक इंसान का मकसद ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि वो घूमता रहे अकेला साधु बनकर फैमिली लाइफ को प्रमोट किया तो सिख बाकी जितने आप गुरु देखो सब ने फैमिली लाइफ को प्रमोट किया ठीक है तो सिख जो थे वो बिलीव करते थे फैमिली लाइफ में और उदासीज आपके बिलीव करते हैं में, अकेले सेलिबेसी में अकेलेपन में ठीक है अब देखो उदासीज चाहते तो थे सिखिज्म को ज्वाइन करना लेकिन वो अपनी टर्म्स पर चाहते थे और गुरु अमरदास जी इसके अगेंस्ट थे तो इसी वजह से उन्होंने उदासीज को दूर करना शुरू कर दिया लेकिन गुरु हरगोबिंद जी के टाइम से उदासी सेक्ट जो है वो सिखिज्म के और क्लोज आने लगा अब सिक्सटीन में क्या हुआ जो बाबा श्रीचंद थे वो गुरु हरगोबिंद जी के पास गए और इन्होंने रिक्वेस्ट की गुरु हरगोबिंद जी जी से कि वो अपने एक बेटे को उदासी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए उन्हें दे दें और उसको उस उदासी सेक्ट को उस उदासी संप्रदाय को का प्रचार कर करे वो बेटा उनका तो गुरु जी ने इनकी बात सुनी श्रीचंद जी की और गुरु हरगोबिंद जी ने अपना एक बेटा जिनका नाम था बाबा गुरदिता वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है सवाल ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सीधे सीधे सवाल में आ सकते हैं जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा ठीक है तो ये सबसे एल्डेस्ट बेटे थे गुरु हरगोबिंद जी के तो गुरु हरगोबिंद जी ने बाबा गुरदिता को जो है श्रीचंद जी को सौंप दिया ठीक है और बाबा गुरदिता जिनकी शादी हुई हुई थी फिर भी वो क्योंकि देखो उदासी सेक्ट मतलब क्या है सेलिबेसी एसेटिक घर बार सब छोड़ के तो बाबा गुरदिता ने अपना घर बार सब छोड़ करके वो भी जो है श्रीचंद जी के साथ चले गए और अल्टीमेटली जब श्रीचंद जी की डेथ होने हो, होने वाली थी तब उन्होंने उनको अपना सक्सेसर घोषित कर दिया बाबा गुरदिता को अब बाबा गुरदिता जब सक्सेसर बन गए हेड बन गए उदासी सेक्ट के तब उन्होंने चार हेड प्रीचर्स अपॉइंट किए अलमस्त फुल गोइंद या गोंदा और बलू हूसरिया इनका काम क्या था कि ये चार अलग अलग डायरेक्शन में उदासी धर्म का प्रचार करें ठीक है इससे ज्यादा इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है इतना अगर आपको याद रहेगा इससे ऊपर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ऑल राइट चलो अब इन चार सेक्ट्स के अलावा एक और सेक्ट इमर्ज हुआ उदासी का ही सब सेक्ट उसका नाम था बख्शीशा ठीक है और ये पर्टिकुलर सेक्ट फ्लरिश किया गुरु हर राय गुरु तेज बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के समय पे। बख्शीश क्या होता है बाउंटी जो आप गिफ्ट करते हो किसी को ठीक है तो ये बख्शीश होता क्या था एक तरह की मिशनरी अपॉइंटमेंट होती थी जो इंडिविजुअल्स को दी जाती थी जो भी गुरु थे वो इंडिविजुअल्स को देते थे कि आप जाइए और जो प्रचार है वो कीजिए ठीक है वाइडली आप ट्रेवल कीजिए डेराज इस्टेब्लिश कीजिए संघ बनाइए मठ बनाइए अखाड़ा बनाइए पूरे हिंदुस्तान में और धर्म का प्रचार कीजिए सिख धर्म का भी प्रचार कीजिए और उदासी धर्म संप्रदाय का भी ठीक है तो ऐसी छह प्रोमिनेंट बख्शिशाज थी जैसे भगत भगवनी फॉलोअर्स ऑफ भगत भगवन ये एक बख्शिशा थी उसके बाद सूत्र शाहजे सूत्र शाह के फॉलोअर्स संगत साहिबी संगत साहिब के फॉलोअर्स मिलहान सहाय या मिलहान दसी सो कॉल्ड आफ्टर मिहान द टाइटल कन्फर्ड बाय गुरु तेज बहादुर ऑन रामदेव ठीक है बख्त मैली फॉलोअर्स ऑफ भख्तमल जीत मली फॉलोअर्स ऑफ जीत मल तो ये सारे जो थे फॉलोअर्स थे जो uh, सॉरी जो सिक्स प्रोमिनंट बख्शिशांस थे अभी इसके ऊपर सवाल बन सकता है ना कि प्रोमिनेंट ये क्या है आपको दे देगा कि भाई संगत शाही भी मिलन शाही भक्त मली ये सब क्या है आप कह दोगे कि दीज आर द सिक्स प्रोमिनेंट बख्शिशाँ तो इस तरह से सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है अब उदासीन वर्शिप किसको करते हैं उदासीन देखो एक तो अपने फॉलोअर अपने फाउंडर गुरु श्रीचंद को वर्शिप करते थे सिखिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे टीचिंग्स जो गुरु नानक देव जी थी उनको प्रमोट करते थे उसी के साथ साथ दे यूज़ टू वर्शिप पंचयतना पंचयतना क्या होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव डीटीज पांच भगवानों का कॉम्बिनेशन शिवा विष्णु सन यानी कि सूरज गॉडेस दुर्गा और गनीषा तो पंचयतना पूछा जा सकता है कि विथ सेक्ट यूज टू वर्शिप पंचयतना या फिर पंचयतना में क्या क्या आता है ठीक है अब इनकी जो फिलॉसफी थी फिलॉसफी जो उदासी उदासी सेक्ट की थी वो थी बेसिकली मोनिस्टिक वेदांता ठीक है वेदांता में विश्वास रखते थे जिसको आपके भक्ति सेंट शंकरा ने प्रमोट किया था ठीक है और काफ़ी हद तक ये लोग रिजेंबल करते थे शैवा सन्यासी से ठीक है रहते भी शैवा शेवा सन्यासीज की तरह ही थे कपड़े पहनने का तरीका और वो सब भी शैवा सन्यासीज की तरह ही था दी जनरली यूज़ टू वेयर रेड और ब्लैक क्लोथ जैसे आपने देखा होगा शेवाइट्स जो होते हैं वो रेड और ब्लैक कलर की धोती टाइप कुछ पहनते हैं ऐशिज़ लगाई होती हैं उन्होंने बॉडी पे लंबे बाल होते हैं जटा रखी हुई होती है तो वैसा ही इनका भी कुछ लुक रहता है ठीक है अब उदासी और सिख स्ट्राइन्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखो उदासी सेंटर्स जो थे वो गुरु नानक देव जी की मैंने आपको पहले भी बताया कि वो टीचिंग्स को प्रमोट करते थे सिर्फ पंजाब में नहीं ऑल ओवर इंडिया अब एक उदासी साधु सिख हिस्ट्री में महंत कृपाल इन्होंने गुरु गोबिंद जी सिंह जी के साथ बैटल ऑफ भंगानी में पार्टिसिपेट भी किया लड़ाई भी लड़ी इंपॉर्टेंट अगेन पूछा जा सकता है कि कौन से उदासी थे जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ बैटल ऑफ बंगानी में जो भांगनी में पार्टिसिपेट किया या बैटल ऑफ भांगनी कौन से साल में हुआ सिक्सटीन एटी नाइन इतना फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है कई बार पी सी एस में ठीक है अब गुरु गोबिंद सिंह जी जब दसवें सिख गुरु उन्होंने मसंद जो है वो अबॉलिश कर दिया मसंद सिस्टम मंजी सिस्टम आपने पढ़ा है ना गुरु अमरदास जी लेकर आए थे मंजी सिस्टम प्रमोट करने के लिए सिखिज़म को अलग अलग जगहों पर प्रीचर्स को भेजा जाता था जो धर्म को प्रमोट करते थे तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको ख़त्म कर दिया ठीक है अब जो ये मसन्त बेसिकली कर क्या रहे थे ये मंजी सिस्टम में कर क्या रहे थे गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को प्रमोट कर रहे थे प्रीच कर रहे थे लोगों तक पहुंचा रहे थे अब मसंद सिस्टम तो ख़त्म कर दिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो इसके बाद ये जो प्रीचिंग जो गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा थी उसका प्रचार करने का जिम्मा किसके ऊपर आ गया उदासी के ऊपर आ गया क्योंकि ये तो पूरे इंडिया में इनका तो शुरू सेम था कि देवर सेटलिंग डाउन ऑल ओवर इंडिया प्रीच कर रहे थे वो ठीक है एक तो ये दूसरा जब आप देखो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने फोर्ट ऑफ श्री अनंतपुर साहिब जब इसको इवैक्यूएट किया तो उस समय उदासी मौक हुआ करते थे उदासी साधु गुरबख्श दास उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि वो जितने भी सिख गुरुद्वाराज हैं जो सिख श्राइन्स हैं जैसे सीसगंज केसगढ़ साहिब इन सब का ध्यान रखें इन सब की टेक केयर में लग जाएं ठीक है और जब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो गई तो एक गुलाब राय नाम के व्यक्ति थे उन्होंने अपने आप को कह दिया कि भैया मैं अब नेक्स्ट गुरु हूँ ठीक है खुद से गुरु गोबिंद सिंह जी ने किसी को भी अपना सक्सेसर डिक्लेयर नहीं किया था उन्होंने कहा कि भैया अब से मैं जो है अगला गुरु हूँ और ही ट्राई टू टेक द पोजिशन ऑफ ऑल द श्राइन्स उस समय भी गुरबख्श दास जो थे उन्होंने ये स्कीम उनकी जो है रोक दी ठीक है उनको रोका कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते गुलाब राय को हटाया वहाँ से और अल्टीमेटली गुरबख्श दास और उनके सक्सेसर्स ने फिर आनंदपुर साहिब और जितने भी उस एरिया के श्राइन्स थे सबकी मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली अनटिल जब तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाय लॉ इस्टेब्लिश नहीं हो गई ठीक है तो उदासीज आप देख रहे हो कि उन्होंने किस तरह से सिख सिख रिलीजन को और सिख श्राइन्स को कैसे सेव किया देखो उदासीज जो थे क्योंकि बिकॉज इनका जो अटायर था जो कपड़े पहनने का तरीका था या जो रहने का तरीका था वो डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू सिक्स तो जो जब मुगल्स जो थे वो अटैक कर रहे थे खालसा सिक्स को उस समय उदासीज जो थे वो सेफ साइड पर थे ठीक है मुगल्स वर नॉट किलिंग उदासी सेंट्स और क्योंकि ये प्रमोट लेकिन फिर भी सिखिज्म को कर रहे थे तो एक तरह से दे बिकेम द गार्ड्स और द प्रोटेक्टर्स ऑफ द गुरुद्वाराज एंड द सिख रिलीजन एंड द सिख टीचिंग्स समझ रहे हो तो ये भी इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो अगर इस पेज पे भी आप देखो काफ़ी आपके लिए फैक्ट्स जो हैं जो कवर हो जाते हैं और आप यहाँ पर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है ये कोई नहीं कराएगा आपको ये किताब में भी नहीं मिलेगा ठीक है रिसर्च करके इसको निकाला है इंटरनेट से और दूसरी जगहों से चलिए तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गुरु अभी तक हम फोर गुरुज कवर कर चुके हैं अब हम फिफ्थ सिख गुरु के बारे में पढ़ेंगे तो जुड़े रहिएगा और यहाँ पर एक हमारी सीरीज़ आपको मिल जाएगी वन कंसेप्टर डे काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बाय